पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, MBCG 24 News Express में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संत अलोयसियस स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर द्वारा आयोजित इंटर क्लास कबड्डी प्रतियोगिता हुई संपन्न। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए खेल शिक्षक संत अलोयसियस महाविद्यालय हरीश दुबे ने बताया कि संत अलोयसियस स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर द्वारा इंटर क्लास कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गुलवहन खान, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच डॉक्टर रमेश शुक्ला, स्पोर्ट्स ऑफिसर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय डॉक्टर शक्ति मंडलोई, श्री जानकी रमन महाविद्यालय डॉक्टर प्रशांत जीत चैटर्जी, UTD ऑफिसर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर फादर वल्लन अरासु प्राचार्य संत अलोयसियस महाविद्यालय जबलपुर, सुश्री मोहिनी बाउकर स्पोर्ट्स ऑफिसर माता गुजरी महिला महाविद्यालय उपस्थित रहे। इंटर क्लास कबड्डी प्रतियोगिता में BA, BCom, BSc, BCA एवं सभी संकाय के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर महाविद्यालय की टीम बनाकर आगामी माह आयोजित होने जा रही इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में संत अलोयसियस महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंटर क्लास कबड्डी प्रतियोगिता को संपन्न कराने में खेल शिक्षक संत अलोयसियस महाविद्यालय जबलपुर हरीश दुबे, शिक्षिका सुश्री रोहिल्या पिल्ले एवं रोहित सिंह राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, विशाल बेन राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, साहिल चौधरी राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमारी यादव की रिपोर्ट। आज हमारा कॉलेज हमें बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी दे रहा है। हम आज कबड्डी गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारे सिलेक्शन हो रहे हैं इंटर कॉलेज के लिए। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, फिर खेलो इंडिया और भी आगे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं हमको, और इसका पूरा क्रेडिट हरीश सर और रोहिना मैम को मैं देती हूं। थैंक यू। नाम जो है इंटर क्लास कबड्डी टूर्नामेंट कर रहे हैं, इंटर क्लास कबड्डी टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसे जितना भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज हो और मानसिक तनाव जो है उसमें सब हो और अपने हेल्थ को और बनाए रखने के लिए ये आवश्यकता पड़ती है। फादर, ये जो टीम सेलेक्ट हुई है ये आगे चले क्या हमारे ऑल इंडिया लेवल में पार्टिसिपेट करेगी क्या? उम्मीद करता है हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके बाद यूनिवर्सिटी और स्टेट और इंडिया की टीम के सदस्य बने भविष्य में बढ़कर, यही मेरा आशा ही है। उनके साथ विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट करवाते हैं जिसे स्पोर्ट्स के जो प्रोत्साहन देना चाहिए और ओलंपिक लेवल पर हो या ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर हो, हमारे देश की जो मेडल प्राप्त करने के लिए हमारे स्टूडेंट सक्षम है। थैंक यू। सेंट अलोयसियस महाविद्यालय के इंटर क्लास टूर्नामेंट में आया था और बच्चों को देखा था, बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ये निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि इन सारे बच्चों को मिला के, अभी तो ये क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारी अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, लेकिन जब पूरे महाविद्यालय की टीम इनमें से 36 बनेगी तो ये बेहतरीन टीम होगी और ये बच्चे जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में तो जब देंगे ही, हमारे भी विश्वविद्यालय की टीम के लिए भी जो है इनमें से बहुत से बच्चे सेलेक्ट होंगे। यहाँ के जिलाधिकारी हरीश दुबे जी और मैडम रोहिला, ये दोनों की मेहनत का प्रतिफल जो भी बच्चे खेल रहे हैं इनकी प्रतिभा में दिखता है। सर अपना परिचय देंगे। डॉक्टर SS मंगोई, जिलाधिकारी श्री जानकी रमन महाविद्यालय जबलपुर।